बाड़मेर भविष्य का दुबई बनने की ओर है। इस तरह के दावे लगातार सरकार और कंपनियां करती रही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उपजे कई संगठित गिरोह राष्ट्रहित के बड़े प्रोजेक्ट्स की राह में रोड़े अटकाते रहे हैं। पुलिस अब कंपनियों को ब्लैकमेल करके काम में बाधाएं पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के मूड में है। पेश एक रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की पहचान रेतीली क्षेत्र के रूप में सदियों से हो रही है, लेकिन करीब डेढ़ दशक के दौरान पूरा परिदृश्य बदल गया। जहां रोजगार से लगाकर संसाधन अल्प थे, वहां का रहन सहन, जीवन जीने का तरीका, जीवन स्तर सब कुछ बदल गया। केन राजवेश जैसी कंपनियों की बदौलत आज बाड़मेर पूरे देश में अलग पहचान कायम किए हुए हैं। यह तो एक पहलू हुआ, अब दूसरा पहलू देखिए। कंपनियों के आने के बाद से तेल क्षेत्र और दूसरे प्रोजेक्ट की राह में रोड़े अटकाने वाले गिरोह भी सक्रिय हो गए। वर्ष पर्याप्त कई घटनाएं होने लगी, जिसमें इस वसूली गैंग के कारण कई दिनों तक प्रोजेक्ट के काम अटक जाते हैं। कंपनियों की शिकायतें आए दिन पुलिस प्रशासन के मार्फत सरकार तक पहुंच रही हैं। सरकार इन निवेशकों को बेहतरीन माहौल देने के लिए पुलिस को निर्देशित करती रही है कि ऐसे गिरोहों का दमन आवश्यक रूप से करें जो ब्लैकमेलिंग पर उतरे हैं। आंदोलन प्रदर्शन की आड़ में ऑयल और एनर्जी फील्ड साल भर में करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ऐसे संगठित गिरोहों को तोड़ने के मूड में है। बाड़मेर प्रगति की राह पर लगातार अग्रसर है। पिछले एक से डेढ़ दशक के दौरान बाड़मेर पूरे विश्व क्षितिज पर छाया हुआ है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि यहाँ पर आंदोलनों की वजह से, विरोध प्रदर्शनों की वजह से काम रुक जाते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ों रुपए रोज का लॉस लेते हैं। बाड़मेर पुलिस ऐसी घटनाओं से कैसे निपटती है, बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह जी से बात करेंगे। सर, कई बार आपके सामने इस तरह की बातें आती हैं कि फला जगह पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर आंदोलन हो गया, ऐसे जब मसले आपके सामने आते हैं कैसे निपटते हैं आप? जैसा आपको विदित है, बाड़मेर में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी है और यहाँ पे क्रूड का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, खोज भी हो रही है, कोयला यहाँ निकाला जा रहा है, रागेश्वरी गैस ऑयल फील्ड है और अभी राजस्थान सरकार का और एचपीसीएल का जॉइंट जो प्रोजेक्ट है वो भी अभी निर्माणाधीन है। तो सामान्यतः हमारे पास कई बार ग्रामीणों की और लोगों की शिकायत आती है और कंपनी वाले भी शिकायत करते हैं कि कुछ लोग काम के बहाने कंपनी पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोकल वेंडर्स है, लोकल कंपनी है, उनका हमेशा पहला प्रयास ये रहता है कि वो स्थानीय लोगों को ही रोज़गार दे, जैसा उनके लायक रोज़गार है, जैसा वो काम कर सकते हैं वैसा काम वो देने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन कई बार कंपनी की और वेंडर की लिमिटेशंस भी होती है कि वो उनको जो कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए या जिस तरह का काम आपको सौंपा जाएगा वो काम करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, आपके पास मैन पावर चाहिए और आपकी क्रेडिट चाहिए। ये तीनों चीज़ें होगी तो आपको वेंडर का काम भी मिल सकता है, लेकिन सामान्यतः लोग चाहते हैं कि हम वेंडर का काम ले लें, वो काम प्राइमरिटी कई बार मुश्किल होता है। लेकिन हमारा ये प्रयास होता है, ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो हम समझाइश से प्रयास करते हैं और ज़्यादातर मामलों में आपस में समझाइश से मामला सलट भी जाता है। फिर भी कई बार ऐसा इश्यूज़ भी आए जिसमें कंपनी को परेशान किया या धमकी दे के काम लेना के सामने आया, तो उसमें पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करते हैं, जो भी लॉ में उनके खिलाफ एक्शन बनता है वो कार्रवाई करते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों को जो ग्रामीण लैंड यूज़र है या वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको उकसाने का काम भी करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों का भी चिन्हीकरण करके पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है? जैसा आप जानते हैं, जो भी लैंड यूज़र है, तो चाहे ऑयल में हो या गैस फील्ड हो, लैंड लूजर को कंपनी अपने हिसाब से पहले एग्रीमेंट करती है और उनको जितना पर्याप्त जो नियमों में है वो सारा चीज़ें पहले से पैसा दे देती है। उसके अलावा भी जैसे कोई लैंड लूजर का छोटा मोटा कोई काम होता है तो वो एकोमोडेट करने का प्रयास कंपनी वाले भी करते हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी बात सुनी भी जाती है। पुलिस की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से बिना सोचे समझे बहकावे में ना आए और इस तरीके से जो नेशन राष्ट्रहित के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें बाधा ना बने, रेवेन्यू लॉस ना हो, काम ना रुके, पुलिस क्या अपील करती है? मेरा आपके मार्फत ये अपील है, क्योंकि ये सब लोग आपके ज़िले में काम कर रहे हैं, जो भी पैसा इन्वेस्ट करें वो आपके ज़िले में कर रहे हैं, जितना भी काम या ज़्यादा करेंगे तो वो सारा जो पैसा वो आपकी ज़िले की इकोनॉमी में मूवमेंट होता है, उससे इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है।
तो इन कंपनी वालों को और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सुरक्षित माहौल देना हमारा सबका कर्तव्य बनता है, उसमें पुलिस का भी कर्तव्य बनता है, प्रशासन का भी बनता है और एज ए अपन सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल निर्भय होके यहाँ पर काम करें और यहाँ की जो संसाधन उनको एक्सप्लोर करें जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, देश का रेवेन्यू भी इससे अफेक्ट होता कई बार। थैंक यू। बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह जी थे और सीधे तौर पर उन्होंने यही एक संदेश देने का प्रयास किया है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अगर आप सुरक्षा का माहौल देंगे तो ये लोकल स्तर पे जो लोग हैं उनके रोज़गार में बढ़ोतरी का भी बेहतरीन साधन बन सकता है। लेकिन ऐसे लोग जो ग्रामीणों को बहका कर आंदोलन की राह पर ले जाते हैं उनका चिन्हीकरण भी लगातार किया जा रहा है और अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। सहयोगी राजू माली के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित। दरअसल कुछ लोग रोजगार और अन्य लालच देकर स्थानीय युवाओं और कामगारों को उकसाने में लगे हैं, जिनका लक्ष्य आंदोलन की आड़ में कंपनियों से वसूली करना ही है। बाड़मेर का एमपीटी आरजेटी रिफाइनरी राजवेस्ट प्रोजेक्ट इन गिरोहों के निशाने पर रहता है, जहाँ ये कई बार बेवजह काम रोकने की कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे आंदोलन जीवियों के खिलाफ अब एक्शन के मूड में है। डीसी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट।